गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज ठाकुर और आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों ने मुझे म्यूजिक वीडियोस बनाते हुए तो हर बार देखा है, बट आज के इस वीडियो में मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। और वो जो अलग चीज़ है वो है, आज मैं करूँगा एक अनबॉक्सिंग। ये है एकाई LPK25 मिडी कीबोर्ड और ये एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है अगर आप म्यूजिक बनाने में इंटरेस्टेड हैं, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ना किफ़ायती बजट में है। और इसके साथ साथ मैं आपको उन सारे इक्विपमेंट्स की भी इन्फॉर्मेशन आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा जो मैंने पिछले कुछ सालों में बनाए हैं अपने स्टूडियो के लिए। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और वो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। सो स्टे विद मी, लेट्स बिगिन। ओके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये है अकाई LPK25 की मिडी कीबोर्ड। मिडी कीबोर्ड जो होते हैं उनका खुद का अपना कोई साउंड नहीं होता, अनलाइक सिंथेसाइजर्स। तो अगर मैं सिंथेसाइजर्स के साथ इसको कंपेयर करूं तो उसमें जो इसके बटन्स होते हैं उसको इफ यू प्रेस दोज बटन्स राइट, सो उसमें से आपको साउंड्स जनरेट होते हैं। बट मिडी कीबोर्ड्स ये जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं आपके DAWs पर। DAW अगर मैं बात करूँ तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम इसकी जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं म्यूजिक थ्योरी में, वो है आपकी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। तो आप इसको किसी भी DAW के साथ सिंक कर सकते हैं, और उसके बाद उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट प्लगइन्स आते हैं उसके साथ आप इससे साउंड जनरेट कर सकते हैं। तो लेट्स ओपन दिस बॉक्स। ओके वेरी नाइस, मैं इसको उठा के पहले साइड में रख देता हूं। देयर यू गो। ओके सो ये है मेरा छोटा सा मिडी कीबोर्ड जो बहुत ही दिखने में बहुत ही क्यूट है, बहुत ही कन्वीनियंट है। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं बाहर तो इसको मैं अपने लैपटॉप के साथ कहीं भी इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं इसका साइज़ बहुत ही छोटा है, आई थिंक 1 फीट का भी नहीं है। ओके सो इसके साथ पहले देख लेते हैं क्या क्या इस बॉक्स में आता है। तो इसके साथ बस एक USB केबल इन लोगों ने दी है जो कि है, इसकी एक बार लेंथ मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके सो मेरे हिसाब से 1.5 फीट की हो गई है। सो हाँ, 1.5 फीट के अराउंड है इसकी लेंथ, सो जो कि इनफ है अगर आप इसको कहीं अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल साइड में रख देता हूँ। उसके बाद मुझे इसके साथ मिलती हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं कभी भी नहीं पढ़ता। पता नहीं ये इतना पेपर वेस्ट क्यों करते हैं। ओके सो दैट्स नॉट अ बिग डील। ये इसके साथ एक CD मुझे मिली है जो है LPK25 लाइब्रेरी मैक ओएस एंड विंडोज ऑनर्स मैनुअल। सो ये जो CD है इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ सॉफ्टवेयर इन्होंने प्रोवाइड किया है, इसमें सिर्फ कोई इनकी डॉक्यूमेंटेशन है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से काम करता है। इसके बाद है ये एक इन्होंने गिव अवे दिया है इसके साथ, तो अगर आप एबल्टन लाइव जो सॉफ्टवेयर है अगर आप वो परचेज करते हैं तो आई थिंक इस कोड को यूज़ करके आपको कोई डिस्काउंट वो लोग दे देंगे। और उसके बाद ये कुछ भी नहीं है, सो मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से। ओके सो यह है हमारा छोटा सा मिनी कीबोर्ड। इसमें जो कीज़ हैं वो 25 कीज़ हैं, आप देख सकते हैं। ये अगर आप इन कीज़ को प्रेस करते हैं तो इसमें से कोई भी साउंड जनरेट नहीं होगा। तो इसको आपको अपने आईपैड या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्शन के लिए इन्होंने जो पोर्ट दिया है वो यहाँ पर है। तो इसको जो है आपका, एक सेकेंड। ओके सो ये इसकी जो केबल थी इसके साथ आई थी, तो इसका जो एक सिरा है वो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में जाता है, और जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसकी एक टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा यहाँ पर जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये जो पोर्ट है इसका, ये बहुत ही इन्होंने बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत कमज़ोर बनाया है,
तो जैसा मुझे इसका फीडबैक मिला है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार यहाँ पे कनेक्ट कर दें इस केबल को, तो उसके बाद आप इसको लगा ही रहने दें, मतलब इसको बार बार निकालें या लगाएं नहीं, क्योंकि ये केबल थोड़ा डैमेज होने के चांसेस इसमें ज़्यादा है। तो ओके, सो इस मिडी कीबोर्ड को यूज़ करने के लिए इसको कोई पावर नहीं चाहिए होती है, ठीक है, ये सेल्फ पावर्ड है। और जैसे ही आप इसको अपने पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे या आईपैड के साथ कनेक्ट करेंगे, ये जो है ऑन हो जाता है। इसके साथ इसमें कुछ बटन्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं एक बार जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपका ऑक्टेव का बटन है, जैसे कि ऑक्टेव अगर आपको पता हो तो हिंदी में हम उसे सप्तक कहते हैं। तो एक जो नॉर्मल सिंथेसाइजर आता है उसमें 64 कीज आती हैं और इसमें जो है वो 25 है। तो फर्ज कीजिए कि आपको कोई ऐसा पैटर्न यूज करना है जो कि इस इन 25 की से आगे है या इस 25 की से पहले का है, तो उस केस में आपको अगर उन कीज के साउंड अगर आपको प्रोड्यूस करने हैं तो आप इस ऑक्टेव को प्रेस कर सकते हैं अप एंड डाउन, और उसके बाद आपके जो कीज हैं उनके जो साउंड्स हैं वो इसी 25 कीज पर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने कुछ दो बटन दिए हैं जो कि हैं आपके एपीजिएटर बेसिकली यहाँ पे आपको नेमिंग कन्वेंशन दी हुई है 1/10, 1/32। तो जैसे ही मैं किसी की को प्रेस करके रखता हूँ तो उसको वो 30 टाइम्स प्ले करता है या 32 टाइम्स 16 टाइम्स प्ले करता है, तो वही फंक्शंस हैं। बाकी मैं इसका जो लाइव डेमो है जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो मैं आपको ज़रूर उसका एक डेमो बताऊँगा कि किस तरह से इसका यूज़ करना है, ठीक है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस मिडी कीबोर्ड में जो कीज़ हैं वो वेलोसिटी सेंसिटिव हैं। सो व्हेन आई से वेलोसिटी सेंसिटिव, इसका मतलब ये है कि जितना भी आप फोर्सफुली इस की को प्रेस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है पहली बात, तो जितना भी आप इसको फोर्सफुली प्रेस करेंगे उतना ही जो साउंड है वो तेज़ होगा। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि टच कीज़ है, बट काइंड ऑफ टच कीज़ हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, बस टच कीजिए एंड यू कैन प्रोड्यूस द साउंड। तो बहुत ही अच्छी डिवाइस है ये, और इसकी अगर मैं आपको कीज दिखाऊं तो थोड़ी स्टिफ लग रही है अभी शुरू में क्योंकि ये यूज़ नहीं हुआ है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है अगर आप म्यूज़िक बनाने का शौक रखते हैं। और इसको मैंने परचेज किया है अमेज़ॉन से, और जो इसकी करंट कॉस्ट जो मैंने अभी पे की है वो है अराउंड 4200 रुपये, 4200 रुपये जो मैंने इसके पे किए हैं। बाकी इसका नॉर्मल जो रेट है आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेरी कर सकते हैं। मुझे इस अनबॉक्सिंग के कोई भी चार्जेस नहीं पे हुए हैं या मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, तो मैं किसी वेबसाइट को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने अमेज़न से परचेज किया है, तो आपकी खुद की विषय, आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं और इसको यूज़ कीजिए। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही कन्वीनियंट डिवाइस है अगर आप म्यूज़िक बनाना चाहते हैं खुद का। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग ही करने वाले थे, और जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी थी एक्सप्लेन कर दी है, बट इसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर उन क्वेश्चंस को लिखिए और मैं आपको रिप्लाई करूंगा जो भी पॉसिबल आंसर्स उसके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और मिडी कंट्रोलर्स जो हैं उनका डेमो दिखाऊंगा या उनकी अनबॉक्सिंग करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक और भी मिडी कंट्रोलर है जो मैंने यूज़ किया था अपने कुछ वीडियोस में, वो लॉन्च पैड है नोवेशन से, तो उसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ और डिवाइसेस दिखाऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए या अपने जो म्यूज़िक बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज स्टेइंग विद मी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस अनबॉक्सिंग वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं आऊँगा फिर कुछ नया डिवाइस लेके। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।